बट उसमें मैंने आपको एक पिक्चर से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बिकॉज समटाइम क्या होता है नोट्स से हम थोड़ा बोर हो जाते हैं सो दैट्स वाई मैंने बहुत ही कम शब्दों में पिक्चर्स की हेल्प से आपको एक समरी एक्सप्लेन की है आप लोग पहले वो वीडियो जरूर देख लें बिकॉज वो देखने के बाद आपको एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा कि अच्छा स्टोरी में होने क्या वाला है सो आई गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लें सो so अब हम देख लेते हैं कि आज हम द वे ऑफ द वर्ल्ड के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं

जो विलियम कॉन्ग्रीव थे वो एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे एंड ही शेप्ड इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स थ्रू इज ब्रिलियंट कॉमिक डायलॉग्स देखो जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं वे ऑफ वर्ल्ड ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है ठीक है और जो विलियम कांग्रीव थे उन्होंने अपने कॉमिक डायलॉग्स से जो इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स है उसको शेप करने की कहीं ना कहीं कोशिश की है एंड वॉज आउटस्टैंडिंग राइटर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स एज आई टोल्ड यू जो विलियम कांग्रेव है उन्होंने ही इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स को शेप करने की कोशिश की है सो दैट्स वाई ही वॉज द आउटस्टैंडिंग राइटर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स है उसके जो आउटस्टैंडिंग राइटर है वो माना जाता है विलियम कॉन्ग्रीव को एंड इफ वी टॉक अबाउट हिज मेजर प्लेस दैन हिज मेजर प्लेस वर दी ओल्ड बैचलर विच वॉज रिटन इन सिक्सटीन नाइनटी थ्री देन दी डबल डीलर विच वॉज ऑल्सो रिटन इन सिक्सटीन नाइनटी थ्री Then love for love which was written in 1695 and the way of the world यहाँ पर the आना था th the and the way of the world जो कि हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं which was written in 1700 so these are some major plays of William Congreve and the way of the world is his most successful and celebrated novel जो हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं the way of the world ये विलियम कॉन्ग्रीव की वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल और सेलिब्रेटेड नॉवल मानी जाती है सो गिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द दावल और हाँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिया करो सो so दैट जब भी मैं फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए सो नाउ विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द दावल और यू कैन से प्ले सो हियर इज द इंट्रोडक्शन टू द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड So the way of the world was premiered in 1700 in the theater in Lincoln's Inn Field in London. So देखो the way of the world सबसे पहले 1700 में प्रीमियर हुआ कहाँ पर? London के थिएटर Lincoln's Inn Field में. Widely regarded as one of the best Restoration comedies and still occasionally performed. So जो the way of the world है ये so one of the best Restoration comedy माना जाता है और ये still कई बार परफॉर्म की जाती हैं. द टर्म रेस्टोरेशन ड्रामा अप्लाइड टू द्लेस रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड सिक्सटीन सिक्सटी टू सेम्ड आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की सो गाइज देखो आप में से कई लोग सोचते होंगे कि रेस्टोरेशन कॉमेडी आखिर है क्या देखो इंग्लिश लिटरेचर में रेस्टोरेशन कॉमेडी के एक अलग ही इंपॉर्टेंस है सो so, अगर आप चाहते हैं कि मैं रेस्टोरेशन कॉमेडी के बारे में आपको अलग से एक्सप्लेन करूं और वे ऑफ वर्ल्ड एज अ रेस्टोरेशन कॉमेडी क्यों कंसीडर की जाती है वो भी एक्सप्लेन करूं

प्लेस uh, लिखे गए इस टाइम के पीरियड में इस टाइम पीरियड के बीच में उन्हें रेस्टोरेशन ड्रामा के अंडर कंसीडर किया जाता है एंड इट इज अ कॉमेडी अ सटायर अबाउट द लाइफ इन द रेस्टोरेशन सो वे ऑफ द वर्ल्ड जो है वो एक कॉमेडी है एक सटायर है रेस्टोरेशन टाइम पर किस तरीके की लाइफ होती थी उसके बारे में एंड दिस प्ले रिप्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ हाई सोसाइटी इन रेस्टोरेशन इंग्लैंड लंदन इज द हार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड सो so, देखो जो ये प्ले है एज आई टोल्ड यू रेस्टोरेशन टाइम पर किस तरीके की लाइफ होती थी उसके बारे में है और ये प्ले रेस्टोरेशन इंग्लैंड में हाई सोसाइटी की क्या इमेज थी उसकी पिक्चर बेसिकली पोर्ट्रे करता है एंड इंग्लैंड में जो लंडन है लंडन इज हार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड ठीक है सो so, इसकी जो सेटिंग है बेसिकली वो ज्यादातर लंडन की ही है मोस्टली इन लेडी विशफोर्ट्स हाउस अगर आप लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो थी वे ऑफ दी वर्ल्ड की अगर वो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा लेडी विश्फोर्ट कौन है तो ज़्यादातर जो सेटिंग है वो लेडी विश्फोर्ट के घर में ही होती है एंड इट बेस्ड अराउंड टू लवर्स मीरा बैल एंड मिलामेंट ये भी आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो ये स्टोरी है वे ऑफ दी वर्ल्ड जो नॉवल है ये बेसिकली दो लवर्स के इर्द गिर्द ही घूमते हैं उन्हीं के ऊपर बेस है पूरी मीरा बैल एंड मिलामेंट एंड एंटैगनिस्ट कौन है इसका सकते हैं फर्स्ट क्या क्वेश्चन रेज करता है जिस पर हम क्रिटिकली डिस्कशन कर सकते हैं पार्टनर तो देखो इस नॉवेल में बेसिकली हम देखते हैं जो प्यार है वो पार्टनर से नहीं है वो उसकी वेल्थ से है उसकी मटेरियल गेन मतलब उसके पास क्या पैसा है है ना उस चीज से प्यार यहाँ पर इस प्ले में दिखाया गया बिकॉज देखो ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी और इस टाइम तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे लोगों को पैसों से प्यार था है ना पार्टीज करना पसंद करते थे क्लब्स में घूमना पसंद करते थे सेक्स की लोग बातें करते थे अफेयर की बातें करते थे किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है तो सोसाइटी में इस तरीके की चेंजेस आ चुके थे लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था सो so, प्यार जो है वो पार्टनर से नहीं बल्कि उसकी वेल्थ से यहाँ पर इस प्ले में दिखाया गया है जो कि फेनॉल के केस में होता है फेनॉल जो है वो हमें पता है पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फेनॉल जो है वो अरेबेला uh, बेला का हस्बैंड होता है सेकेंड हस्बैंड जो कि उससे सिर्फ इसीलिए शादी करता है क्योंकि अरा बेला के पास अपने जो हस्बैंड थे पहले हस्बैंड काफी सारा पैसा है सो so ये सोचकर उससे शादी करता है कि का सारा पैसा उसका हो जाएगा। Second question, क्या रेज होता है हाँ पर? प्ले कैन रियली बी सीन एज गुड और एस सच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ हीरो एंड हीरोइन ऑब्वियसली नन ऑफ द कैरेक्टर इज गुडर कोई भी कैरेक्टर अच्छा नहीं है बट फिर भी हम मिलामेंट और मीराबेल को हीरोइन hero, कंसिडर करते हैं Uh, मिलामैन तो चलो ठीक है हीरोइन लगती भी हैं बट इफ़ वी टॉक अबाउट मीरा बैल हु इज़ ए हीरो पहले अफेयर था अराबेला के साथ उसके बाद उसको अराबेला की कजन मिलामेंट से प्यार होता है सो so, हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलता है जिसको हम एज अ हीरो और हीरोइन वाली क्वालिटी के साथ प्लेस कर पाएँ सो so, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हमें इस प्ले में मिलते हैं

मिलामेंट इज ब्यूटिफुलरोइन ऑफ दिस प्ले बिकॉज हीरो इज मीरा सो हीरो बहुत ब्यूटिफुल है मिलामेंट जो बहुत सुंदर है और वो लंडन में बहुत पॉपुलर है लव विद मीराबेल कजन ऑफ मिसेज फेनॉल ठीक है मिलामेंट को भी एट लास्ट मीराबेल से प्यार हो जाता है एंड शी इज द कजन ऑफ मिसेज फेनॉल मतलब एराबेला की कजन होती है मिलामेंट देन नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज फेनॉल एंटेगनिस्ट ठीक है विलन है इस प्ले का नॉट गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी जो फेनॉल है उसकी सोसाइटी में कोई खास रेपुटेशन नहीं है मैरिट टू अरेबेला लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ मनी ऑनली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद मिसेज मारवुड सो फेनॉल जो है वो कम्पलीट एंटेगनिस्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है विलन वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें बिल्कुल भी अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में नहीं है अराबेला से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी करता है और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है मिसेस मारवुड के साथ नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज मिसेस फेनॉल सो मिसेस मिसेनॉल जो है उनका नाम बेसिकली अराबेला होता है लेकिन बाद में उनकी शादी हो जाती है फेनॉल से इसीलिए उन्हें मिसेस फेनॉल के नाम से जाना जाता है शी मैरिड टू रिच मैन लैंग्वेज हो डाइड तो देखो जो अराबेला है उसके जो पहले हस्बैंड होते हैं लैंग्वेज उनकी डेथ हो गई है सोशी इज़ अ वेल्दी विडो लेडी विशफोर्ट्स डॉटर सो अराबेक जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके हस्बैंड का जो भी पैसा था वो सब अराबेला का सो शी इज़ अ वेल्दी विडो और वो लेडी विश्फोर्ट की बेटी होती हैं मीरा बैल्स मिस्ट्रेस इन दी पास्ट ठीक है जो मिसिज फेनॉल है उनका पास्ट में मीरा बैल के साथ अफेयर था मीरा बैल कौन है जो हमारे इस प्ले का हीरो है एडवर्ड मीराबेल ठीक है अराबेला के हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है उसके बाद अराबेला का मीरा बेल के साथ कुछ टाइम तक अफेयर चलता है लेकिन उसके बाद मीरा बेल को डर होता है कि कहीं अराबेला प्रेग्नेंट ना हो जाए इस डर से मीरा बेल फेनॉल से शादी करा देता है अराबेला की सो so, मीरा बेल्स मिस्ट्रेस इन द पास्ट एंड लेटर शी मैरिड टू फेनॉल बट स्टिल लव्स मीरा बेल बाद में बेशक से अराबेला की शादी करा देता है मीरा बेल फेनॉल से लेकिन फिर भी जो अरेबेला है वो मीरा बैल से ही प्यार करती है देखो गाइस यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कंफ्यूज मत होना बिकॉज आई ट्राइड कि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं बट अगर कोई डाउट आता है तो उस चीज़ को दोबारा से बैक करके देख लेना बट कन्फ्यूज मत होना ठीक है कैरेक्टर्स आई नो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिसेज मारवुड नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है मिसेज मारवुड मिसेस मारवुड इज फेनॉल्स मिस्ट्रेस मिसेस मारवुड फेनॉल की मिस्ट्रेस होती हैं मतलब अराबेला का जो हस्बैंड है सेकंड हस्बैंड जो है अराबेला का उसके साथ मिसेस मारवुड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है एंड शी इज लेडी विशफोर्ड्स बेस्ट फ्रेंड देखो मिसेस मारवुड जो हैं अराबेला की मदर लेडी विशफोर्ड की बेस्ट फ्रेंड है उसके बावजूद वो अपनी फ्रेंड की बेटी के हस्बैंड से ही रिलेशनशिप में आ गई हैं

अराबेला की मदर होती है और मिलामेंट की आंट होती है बिकॉज एज आई टोल्ड यू मिलामेंट जो है वो अराबेला की कज़न होती हैं और वो लेडी विशफोर्ट के साथ ही रहती हैं अराबेला की शादी हो चुकी है लेकिन मिलामेंट लेडी विशफोर्ट के साथ उनके घर में रहती है एंड लेडी विशफोर्ट कंट्रोल्स मिलामेंट्स फॉर्च्यून जो लेडी विशफोर्ट हैं उनका कहीं ना कहीं मिलामेंट पर एक कंट्रोल है क्योंकि लेडी विशफोर्ट के पास सिक्स थाउजेंड यूरो का एक अमाउंट है जो वो मिलामेंट को तब देंगी जब मिलामेंट उनकी पसंद के लड़के से शादी करेगी तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लेडी विशव का मिलामेंट के फॉर्च्यून पर कंट्रोल है नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज विटवर्ड विटवर्ड है टिपिकल रेस्टोरेशन फॉप ठीक है फॉप फुलिश टाइप और मैन है एक मतलब रेस्टोरेशन कॉमेडीज में एक फुलिश मैन दिखाया जाता है उस तरीके का एक ये फॉर्प है एंड नेम एम्प्लाइज रिप्रेजेंट अ पर्सन हु हैज डिल्यूजन ऑफ बींग ग्रेट विट ठीक है इनका नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई ऐसा पर्सन है जिसमें बहुत सारी विट्स है ना सो so इनका नाम ही ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है तो ये एक फुलिश कैरेक्टर कह सकते हो जो कि रेस्टोरेशन कॉमेडी में है टू प्रोवाइड द कॉमिक रिलीफ नेक्स्ट कैरेक्टर इज पैटेंट पैटलेंट इज विटवुड्स फ्रेंड ठीक है विटवुड और पैटुलेंट जो है ये दोनों दोस्त होते हैं एंड पेटुलेंट इज मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर ऑफ द प्ले विटवुड और पैटुलेंट दोनों फ्रेंड है और एक तरीके से कह सकते हो कि दोनों ही फुलिश हैं विटवुड तो उसका नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो फुलिश है और विटफुल है एंड पैटिलैंड जो है इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले दैन नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज सर विलफुल विटवुड सर विलफुल विटवुड जो है वो लेडी विशफोर्ड का नेफ्यू है एंड हाफ ब्रदर ऑफ विटवुड जो ये विटवुड है इसका हाफ ब्रदर है सर विलफुल विटवुड मतलब सर विलफुल विटवुड और विटवुड सोतेले भाई हैं ठीक है हाफ ब्रदर्स हैं और जो लेडी विशफोर्ड का नेफ्यू है वो है सर विलफुल विटवुड एंड ही इज ओवर फोर्टी ईयर्स जो विलफुल विटवुड है ये लगभग चालीस साल का है एंड ही चोज्ड बाय लेडी विशफोर्ड एज मिलामेंट्स हजबेंड इसको लेडी विशफोर्ड पसंद करती है कि हाँ इससे मैं मिलामेंट की शादी करा दूंगी समझ आ रहा है विल्फुल विटवुड जो है वो विटवुड का सोतेला भाई है लेडी विशफोर्ट का नेफ्यू है लेडी विशफोर्ट इसे पसंद करती है मिलामेंट की शादी कराने के लिए और ये फोर्टी ईयर्स का है नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज वेटवेल मीरा बेल्स वेलट एक तरीके से मीराबेल का नौकर ही है ये मीराबेल हैज ए मैरी फीबल टू फर्दर हिज सीक्रेट प्लान टू विन मिलामेंट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एडवांसिंग द प्लॉट एंड ही ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ मिलामेंट्स अंकल फर्दर ठीक है जो वेटवेल है ये मीराबेल का नौकर है और मीरा बैल वेटवेल की शादी मतलब अपने नौकर की शादी करा देता है फीबल के साथ और जो ये फीबल होती है ये लेडी विश्फोर्ट की नौकर होती है उसकी सर्वेंट होती है मतलब मीराबैल अपने सर्वेंट की शादी करा देता है लेडी विश्फोट के सर्वेंट से उसके बाद जो ये फीबल है ये मीलामेंट और मीराबैल की शादी कराने में आगे हेल्प करते हैं क्योंकि देखो फीबल लेडी विस्फोर्ट के घर में रहती है और किसी को इन्होंने बताया नहीं है कि मीराबैल और फीबल की शादी हो गई है तो मीराबेल और फीबल दोनों ही मिलकर मिलामेंट और मीराबेल की शादी कराने के लिए पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और जो वेटवेल है ये प्ले को एडवांस करवाने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आगे जाकर वेटवेल जो है वो मीराबेल के अंकल का रोल भी प्ले करता है जो कि यहाँ पर आया है लेडी विस्फोर्ट का प्रपोज करने उससे शादी करने जो आपको अच्छे से समरी में समझ आएगा देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज फीबल लेडी विस्फोर्ट मेड जो फीबल है वो लेडी विस्फोर्ट की मेड है मतलब उनकी नौकर है मैरिज वेटवेल वेटवेल से शादी कर ली मैंने अभी आपको ऊपर बताया एंड कॉपरेट्स विद मीरा ठीक है फीबल भी मीराबेल की हेल्प करती है मिलामेंट से उसकी शादी कराने में देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिनसिंग मिनसिंग इज मिलास मेड रिवील्स मिस मारवुड अफेयर्स विद फीबल सो देखो जो मिनसिंग है वो मिलामेंट की मेड है और जो मिनसिंग है ये फीबल के साथ मिलकर मिसेज मारवुड का जो अफेयर है उसके बारे में पूरी पब्लिक को इन्फॉर्म कर देते मतलब मिन्सिंग और फीबल जाते हैं ऑडियंस के सामने पूरी पब्लिक के सामने और उन्हें जाकर बता देते हैं कि मिसेज मारवुड का फेनॉल के साथ अफेयर चल रहा था मतलब इनके अफेयर को पब्लिक कर देते हैं लास्ट में जाकर ये सीन होता है हम समरी में ये भी देखेंगे ही देन नेक्स्ट करेक्टर इज पैग लेडी विशफोर्स मेट एंड देन बैटी बैटी जो है वो वेटिंग वुमेन है चॉकलेट हाउस में और वो बहुत कम ही यहाँ पर बोलती है चॉकलेट हाउस इज अ टाइप ऑफ क्लब जहाँ पर ये लोग जाते हैं कार्ड्स वगैरह खेलने के लिए और जो बेटी है वो बहुत कम लाइन ही यहाँ पर प्ले में बोलती हुई नजर आती है बेसिकली जो एक्ट वन है उसमें उसकी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है सो सुधीज आर कैरेक्टर इज नाउ विल डिस्कस अबाउट दी प्लॉट समरी अब मैं आपके साथ प्लॉट समरी डिस्कस करूंगी और मैं आपके साथ जो समरी डिस्कस कर रही हूँ एक्ट वाइज डिस्कस करूंगी कि कैसे कैसे एक्ट वाइज प्लॉट डेवलप होता है देखो ये बहुत बड़ी नॉवल है बहुत वास्ट नॉवल है तो यहाँ पर हम एक प्लॉट समरी में देखेंगे कि एक्ट वाइज कैसे कैसे सीन्स होते हैं क्या क्या प्लॉट डेवलप होता है और कैसे ये नॉवल आगे बढ़ती है अगर आप चाहते हैं कि हम एक्ट वाइज सीन वाइज डिस्कस करें बिकॉज आपको पता है बहुत सारे एक्ट्स हैं बहुत सारे सीन्स हैं अगर आप चाहते हैं हम वैसे भी डिस्कस करें देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स मैं एक्ट वाइज सीन वाइज वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट guys देखो दिस प्ले has ओनली वन मेन प्लॉट एंड कवर्स अ सिंगल डे जो ये नॉवल है इसका बेसिकली एक ही मेन प्लॉट है और ये मेन प्लॉट जो है वो एक ही दिन में होता है कवर्स अ सिंगल डे एक ही दिन में पूरा मेन प्लॉट होता है एंड दिस novel क्राउडेड विद न्यूमरस इवेंट्स लेकिन इसमें जो इवेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं लेकिन इवेंट्स एक दिन के ही हैं कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें बताया जाता है कि वो पहले हो चुके हैं मतलब मेन प्लॉट एक ही है जो एक सिंगल डे में होते हैं लेकिन इवेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और इवेंट्स हमें जैसे जैसे प्लॉट आगे डेवलप होता है हमें बता दिया जाता है कि अच्छा जो अरेब थी उसके हस्बैंड पहले मर चुके थे आ, या फिर जो फिनॉल है वो इसलिए शादी करता है ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं ये तो एक दिन में नहीं होने वाली ये इवेंट ऐसा नहीं है जो एक दिन का हो ये पास्ट की चीजें थी जिसके बारे में हमें आगे जैसे जैसे प्लॉट डेवलप होता है बताया जाता है बिफोर द एक्शन ऑफ द प्ले अनफोल्ड सर्टेन इवेंट्स आर अंडरस्टूड टू हैव प्रीवियसली टेकन प्लेस इवेंट्सलीस एज आई टोल्ड यू जैसे जैसे प्ले के एक्शन अनफोल्ड होते हैं हमें बता दिया जाता है कि कुछ एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं एंड मीरा बेल इज अ सीक्रेट स्कीम टू विन हैंड इन मैरिज गेनिंग हर फॉर्च्यून एज वेल सो देखो ये प्ले आखिर है किस बारे में मीरा बेल के बारे में और मिलामेंट के बारे में है कि किस तरीके से मीरा बेल को मिलामेंट से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करना चाहता है और साथ ही साथ उसका जो फॉर्च्यून फॉर्चून सिक्स थाउजेंड पाना चाहता है बट लेडी विस्फोट जो होती हैं मिलामेंट की आंट वो इस चीज के अगेंस्ट होती है वो अपोज करती हैं मीराबैल और मिलामेंट की शादी के मतलब मीराबैल तो शादी करना चाहता है मिलामेंट से और मिलामेंट भी करना चाहती है बट लेडी विस्फोट मना कर देती है उसका रीजन हम आगे देखेंगे एंड हर वैनिटी हैज बीन ऑफेंडेड बाय मीरा बैल क्यों मना कर देती है वो क्योंकि जो मीरा बैल है वो कहीं ना कहीं उन्हें ऑफेंड कर देता है उसका रीजन क्या है मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी आगे एंड प्रॉब्लम इज दैट मीरा बैल्स फॉर्चून इज अंडर लेडी विशोर्ट्स कंट्रोल विल बी गिवन टू हर ओनली मैरिज दूटर चूजन बाय हर सो देखो इस प्ले में प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली यहाँ पर मीरा बैल नहीं आना था यहाँ पर आना था मिला मैं ठीक है यहाँ पर मिलामेंट आना था प्रॉब्लम इज दैट मिलामेंट फॉर्च्यून इज अंडर लेडी विशफोर्ड्स कंट्रोल प्रॉब्लम क्या है मिलामेंट का जो फॉर्चून है वो लेडी विशफोर्ड के कंट्रोल में है मतलब जो सिक्स थाउजेंड यूरो वाला अमाउंट है वो लेडी विशफोर्ड के अंडर में है और लेडी विश्फोर्ट मिलामेंट को तभी ही देंगे जब मिलामेंट लेडी विस्फोर्ट की पसंद के लड़के से शादी करेंगी तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है अदरवाइज मिलामेंट और मीराबेल तो कब के शादी कर चुके होते तो so, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्ट वन के बारे में कि एक्ट वन किस तरीके से डेवलप होता है ये तो मैंने आपको बता दे कि ऐसे ऐसे सीन डेवलप होना है ठीक है एक्ट वन ओपन एट फैशनेबल चॉकलेट हाउस फेनॉल हैज जस्ट बीटन मीराबेल इन गेम ऑफ कार्ड्स सो एक्ट वन ओपन होता है चॉकलेट हाउस में जहाँ पर बेटी भी होती है वो कुछ लाइंस बोलती है वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ठीक है एक्ट वन ओपन होता है चॉकलेट हाउस में जहाँ पर कौन कौन होता है फेनॉल और मीरा बेल। ये दोनों खेल रहे होते हैं कार्ड्स और जो फेनॉल है वो मीराबैल को हरा देता है देन ये हरा देता है इसको इतने में वहां पर एक मैसेंजर आता है and announced that Mirabel's valet वैल्ट married feeble Lady लेडी maid, so मेड हरा देता है Mirabel को उसके बाद जो फेनॉल है वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है तो Mirabel वहाँ पर अकेला होता है Chocolate House में और वहाँ पर आ जाता है Mirabel का एक messenger और वो Mirabel को inform करता है कि जो Mirabel का valet है मतलब जो नौकर है उसका Waitwell उसने शादी कर ली है फीबल के साथ लेडी विश्व की मेड के साथ तो अब तो मीरा बेल का जो प्लान है वो और स्मूथली चल पाएगा मीरा बेल के लिए आसानी हो जाएगी मिलामेंट से शादी करने में है ना क्योंकि उसी की मेड से शादी कर लिया है वो थोड़ा हेल्प करेगी उनकी सो दिस मैरिज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मीरा बैल्स स्कीम ऑफ विनिंग मिलामेंट डिटेल्स नॉट रिवील यस देखो जो ये शादी हुई है वेटवेल की और फीबल की इन दोनों की जो ये शादी हुई है ये भी एक प्लान था मीरा बेल का क्योंकि मीरा बेल को मिलामेंट से शादी करनी है और उस प्लान में ही वेटवेल और फीबेल की शादी कराना भी इंक्लूड होता है हाँ अगर हमें अपना प्लान फुलफिल करना है तो वेटवेल और फीबेल की शादी करानी पड़ेगी ताकि आगे का प्लान स्मूथली चल पाए सो बेसिकली इस प्लान की पूरी डिटेल्स यहाँ पर रिवील नहीं की जाती हैं थ्रू द कॉन्वर्जेशन बिटवीन विटवुड एंड पैटुलेंट ऑडियंस लर्न दैट सर विलफुल विटवुड इज कमिंग ऑन द टाउन सो देखो ये सीन हो गया है कि मतलब वेटवेल और फीबल की शादी हो चुकी है और मीराबैल को इस बारे में पता लग चुका है और हम ऑडियंस को यह पता लग गया है कि फीबल और वेटवैल की शादी क्यों कराई है मीराबैल ने यह हमें पता लग चुका है सो so, अब विटवुड और पैटुलेंट आपस में बातचीत करते ठीक है विटवुड और पैटुलेंट की बात से हमें क्या पता चलता है कि सर विटवुड आ गए हैं टाउन में मतलब सर विटवुड लेडी विशफोर्ड के जो नेफ्यू हैं वो टाउन में आ रहे हैं एंड ये भी एक र्यूमर है कि जो विलफुल विटवुड है वो आ रहे हैं मिलामेंट से शादी करने के लिए कि मतलब लेडी विशफोर्ड के जो नेफ्यू हैं सर विलफुल विटवुड उन्हें लेडी विशफोर्ड ने ही बुलाया है यहाँ पर ताकि वो मिलामेंट से सर विटवुड की शादी करा सके ये एक रूमर फैल गया पूरे टाउन में विटवुड एंड पैटुलेंट आर सूटर सो विटवुड और पैटुलेंट मतलब ये दोनों फुलिश मैन जो हैं ये भी मिलामेंट के सूटर होते हैं इन्हें भी मिलामेंट पसंद होती है तो ये होता है एक्ट वन में अब हम देखते हैं कि एक्ट टू किस तरीके से डेवलप होता है तो ये होता है एक्ट वन में नाउ विल डिस्कस अबाउट द एक्ट टू की एक्ट टू का जो प्लॉट है वो किस तरीके से डेवलप होता है एक्ट टू शिफ्ट टिपिकल रेस्टोरेशन सेटिंग ऑफ अ पब्लिक पार्क जो एक्ट टू है उसकी सेटिंग जो है उसे बताया गया है कि वो टिपिकल रेस्टोरेशन सेटिंग है और वो सेटिंग कहाँ की है पब्लिक पार्क की ओपनिंग कॉन्वर्जेशन बिटवीन मिसेस फेनॉल एंड मिसेस मारवुड सो देखो ये सीन सेट होता है पब्लिक पार्क में और पब्लिक पार्क को टिपिकल रेस्टोरेशन सेटिंग माना गया है और इस एक्ट की स्टार्टिंग में जो कॉन्वर्जेशन होती है वो किन के बीच में होती है मिसेस फेनॉल के बीच में और मिसेस मारवुड के बीच में मिसेस आपको पता है अराबे और मिसेस मारवुड भी आपको पता है लेडी विशफोर्ड की बेस्ट फ्रेंड सो मिसेस विश्फोट और मिसेस मारवुड के बीच में यहाँ पर एक कॉन्वर्जेशन होती है और इस कॉन्वर्जेशन से हम ऑडियंस को क्या पता चलता है दैट मिसेस फेनॉल डिटेक्ट्स हर ऑन हसबेंड कि मिसेस फेनॉल को अपने खुद के हस्बैंड पर शक है मिसेस फेनॉल अक्यूज मिसेस मारवुड क्लेम्स टू हेट मीरा बेल बट स्टिल इन लव विद हिम और इनकी कॉन्वर्जेशन में क्या होता है आगे जो मिसेस फेनॉल होती है मतलब जो अराबेला लैंग्वेज होती है फेनॉल की जो वाइफ होती है मिसेस फेनॉल वो मिसेस मारवुड को बोलती है कि तुम मीरा बेल को हेट करने का बेशक से क्लेम करती हो लेकिन तुम अभी भी मीरा बेल से बहुत प्यार करती हो ठीक है मिसेस फेनॉल एक तरीके से यहाँ पर इल्जाम लगा रही हैं मिसेस मारवुड पर कि तुम मीरा बेल से प्यार करती हो बेशक से तुम ये अनाउंस कर लो कितना ही कि तुम मीरा बेल से प्यार नहीं करती हो उसे नफरत करती हो बट मुझे पता है कि तुम मीरा बेल से प्यार करती हो ये यह यहाँ पर इल्जाम लगाती है एक तरीके से मिसेस फेनॉल मिसेस मारवुड पर सो so ये दोनों यहाँ पर आपस में बात कर ही रहे होते हैं यहाँ पर आ जाता है मीरा और फेनॉल ठीक है देखो इनकी कॉन्वर्जेशन क्या हुई एक्ट टू में एक्ट टू में मिसेस फेनॉल और मिसेस मारवर्ड आपस में बात कर रही थी तो मिसेस मारवर्ड और मिसेस फेनॉल की बात से मैं पता लग गया कि मिसेस फेनॉल को अपने हस्बैंड पर विश्वास नहीं उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड में कोई गड़बड़ है और मिसेस फेनॉल मिसेस मारवर्ड को अक्यूज़ करती हैं कि तुम मीरा बैल से प्यार करती हो इन दोनों की ये कॉन्वर्जेशन यहाँ पर चली रही थी बट यहाँ पर आ गया है मीरा बैल और फेनॉल और इनके आते ही इनकी जो बातचीत थी वो ख़त्म मिसेस फ़ेनॉल गोज ऑफ फॉर अ वॉक विद मीरा बैल लीज फेनॉल अलॉन्न विद हिज मिस्ट्रेस मिसेस मारवुड सो देखो गाइज जो मिसेस फेनॉल है और जो मीरा है ये दोनों आपस में एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और जो मिसेस फेनॉल है उसकी शादी फेनॉल से मीराबैल ही कराता है तो मतलब फ़ेनॉल को भी पता है कि मिसेस फेनॉल मतलब उसकी वाइफ और मीराबैल आपस में फ्रेंड्स हैं तो मिसेस फ़ेनॉल तो चली जाती है मीरा बेल के साथ बात करते करते आगे वॉक पर चले जाते हैं वो और यहाँ पर फेनॉल के साथ रह गई हैं मिसेस मारवुड और आगे ये दोनों आपस में बात करते हैं और देखो जो मिसेस मारवुड है अब उसका चक्कर चल रहा है किस से फेनॉल से एंड फेनॉल अक्यूज मिसेज मारवुड ऑफ लविंग मीरा बेल सो so देखो मिसेस फेनॉल मतलब अराबेला तो चली गई मीरा बेल के साथ और यहाँ पर पार्क में कौन रह गया मिसिज मारवुड और फेनॉल तो फेनॉल भी यहाँ पर मिसेस मारवुड को बोलते हैं उसको अक्यूज करते हैं कि तुम मीराबेल से प्यार करती हो आर रिवीलिंग प्रिटेंस ऑफ लव टू लेडी देखो बेसिकली हुआ क्या ना मीराबेल ने शादी कराई अराबेला और फेनॉल की मीरा बैल ने अराबेला और फेनॉल की शादी इसलिए कराई थी क्योंकि मीरा बैल को डर था कि कहीं अराबेला प्रेग्नेंट ना हो जाए क्योंकि मीरा बैल का और अराबेला का अफेयर चल रहा था इसीलिए मीरा बैल ने अराबे और फेनॉल की शादी करा दी उसके बाद अराबेला को मिसेस मिसेस के नाम से जाना जाने लगा सो so है है उसकी ही कजन मिलामेंट और उससे प्यार हो जाता है मीराबेल को तो मीराबैल मिसेस फेनॉल को इस बारे में बताता है कि मुझे तुम्हारी कजन से प्यार हो गया तो इस पर मीराबैल सोचता है कि अगर मुझे मिलामेंट से शादी करनी है तो मुझे पहले मिलामेंट की जो आंट है लेडी विशफोर्ट उन्हें मनाना पड़ेगा इसीलिए मीराबैल लेडी विस्फोर्ट को फ्लैटर करना स्टार्ट कर देता है और इस पर लेडी विस्फोर्ट को एक गलत फहमी हो जाती है कि मीरा बैल मुझसे प्यार करता है और यहाँ पर फेनॉल वही बोल रहा है मिसेज मारवुड को कि लेडी विस्फोर्ट को लगता है मीराबैल उससे प्यार करता है लेकिन वो तो उससे प्यार करता ही नहीं है तो तुम अपनी फ्रेंड लेडी विस्फोर्ट को रिवील कर दो लेडी विस्फोर्ट को बता दो कि मीरा बैल तुमसे प्यार नहीं करता है मिसेज मारवुड को ऐसा करने के लिए कौन बोलता है फेनॉल फेनॉल मीराबेल हैड मैरिड मिलामेंट फेनॉल वुड हाफ ऑफ मिला हर आंट। और फेनॉल सोचता है कि अगर मीराबेल और मिलामेंट की शादी लेडी विशफोर्ड की मर्जी के बिना हो गई तो उसे बड़ा फायदा हो जाएगा इसीलिए तो फेनॉल बोल रहा है मिसेज मारवुड को ऐसा करने के लिए कि जाओ लेडी विस्फोट को इस बारे में बता दो अदरवाइज अगर मीराबैल और मिलामेंट की शादी कराने के लिए लेडी विस्फोट मान गई उन्हें पसंद आ गया मीराबैल तो उन्हें सिक्स थाउजेंड यूरो देने पड़ेंगे लेकिन फेनॉल नहीं चाहता कि वो सिक्स थाउजेंड यूरो हाथों से जाए इसीलिए फेनॉल बोलता है कि मीरावेल और मिलामेंट की शादी हो जाए वो आपस में शादी कर ले लेडी विस्फोर्ट की मर्जी के खिलाफ तो जो मिलामेंट का सिक्स थाउजेंड यूरो वाला पैसा है उसका आधा तो उसे ही मिल जाएगा क्योंकि मिलामेंट अपनी आंट की विश के अगेंस्ट शादी करेगी फेनॉल सून रिकनसल्ड विद मिसेज मार्बुड एंड क्लेम्स दैट ही मैरिड हिज वाइफ ओनली बिकॉज ऑफ हर मनी और साथ ही साथ फेनॉल क्या बोलता है कि उसने तो अपनी वाइफ से भी सिर्फ उसके पैसों के लिए ही शादी की थी टेल्स मिसेस मारवुड दैट ही विल मैरी हर आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ हिज वाइफ एंड सिक्योरिंग हर फॉर्चून और फेनॉल क्या बोलता है मिसेज मारवुड को कि मैं तुमसे शादी करूँगा बस एक बार मुझे अपनी वाइफ का सारा पैसा मिल जाए और मैं उसे फिर पीछा छुड़ा लूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा इन द मीन टाइम ऑडियंस कम्स टू नो मिसेस मिस्ट्रेस हैड हर मैरिज टू टू प्रोवाइड अ कवर फॉर देयर अफेयर आपको पहले ही बता दिया कि मिसेज मारवुड और फेनॉल जब आपस में बात कर रही होती हैं तो ऑडियंस को ये पता लग जाता है कि फेनॉल जो है वो मीरा बैल की पहली मिस्ट्रेस थी और मीरा बैल ही इनकी शादी अरेंज कराता है मतलब फेनॉल और अराबेला की शादी कौन कराता है मीरा बैल और वो ये शादी क्यों कराता है वो ये शादी इसलिए कराता है कि कहीं मीराबेल और अराबेला के अफेयर के बारे में सबको पता न चल जाए अगर अराबेला प्रेग्नेंट हो गई तो

कि जो मीरा बेल होता है वो मिसेस फेनोल को बता देता है कि मैं मिलामेंट से प्यार करता हूँ और उसे भी जो अपना प्लान होता है उसमें मिला लेता है मतलब जो मिसेस फेनॉल है वो भी मीरा बेल की हेल्प करती है इस प्लान में एंड मीरा रिवील्स अरेंज मैरिज बिटवीन हिज वैलेट वेटवेल एंड लेडी विश्फोट मेड फीबल और साथ ही साथ जो मीरा होता है वो मिसेस फेनोल को मतलब अराबेल को इस बारे में भी बता देता है कि मैंने अपने वैलेट वेटवेल की और लेडी विश्फोट मतलब जो तुम्हारी मदर हैं उनकी मेड जो है फीबल उनकी शादी करा दी है ताकि आगे का जो प्लान है उसे स्मूथली चला सके मतलब देखो मिसेस फेनोल और मीराबेल इतने अच्छे दोस्त हैं कि जो मिसेस फेनोल है वो अपनी माँ के अगेंस्ट में ये प्लानिंग प्लॉटिंग करवा रही है, है ना तो so, अब जो वेटवेल है वेटवेल इज टू पोज मीराबल अंकल सर रॉलेंड लेडी विस्फोर्ट इंटू अम मैरिज तो गाइज देखो मीरा बेल जो था मिलामेंट से प्यार करता था और इसीलिए वो लेडी विशफोर्ड को फ्लैटर करने की कोशिश करता है लेकिन लेडी विशफोर्ड की बेस्ट फ्रेंड मिसेज मारवुड उसे बता देती है कि मीराबेल तुमसे प्यार नहीं करता वो तो मिलामेंट से प्यार करता है इस चीज से लेडी विस्फोर्ट बड़ा चिड़ जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि अब तो मैं इन दोनों की शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी उसके बाद मीरा बेल प्लान बनाता है और वो वेटवेल को अपने खुद के नौकर को अपना अंकल बनाकर भेजता है लेडी विश्फोट के पास और अपने अंकल का नाम क्या रखता है सर रॉलैंड ठीक है लेडी विश्व को एक फेक मैरिज में फंसाने की प्लानिंग कर रही हैं एंड वेन लेडी विश्फोर्ट विल मैरिज सर रॉलैंड मीरा वेल विल रिवील बेटवेल ट्रू आइडेंटिटी एंड ऑफर लेडी विशफोर्ट अ मींस ऑफ एस्केप फ्रॉम डिग्रेडिंग अलायंस ही विल प्रोवाइड बेटवेल सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज इफ लेडी विश कंसेंट्स टू हिज यूनियन विद मिलामेन तो यहां पर जो मीरा बेल होता है वो अपनी फ्रेंड अराबेला को पूरे प्लान के बारे में बता देता है कि मैं अपने ही वैलेट जो मेरा वैलेट है नौकर वेटवेल उसे अपना अंकल सर रोलैंड बनाकर भेजूंगा लेडी विस्फोट मतलब तुम्हारी मदर के पास और एक फेक मैरिज बेसिकली यहाँ पर अरेंज करूंगा और जब लेडी विस्फोट शादी कर लेंगे सर रोलैंड के साथ उसके बाद वो वेटवेल की जो ट्रू आइडेंटिटी है वो लेडी विस्फोट को बता देगा और साथ ही साथ वो लेडी विस्फोट के सामने शर्त रखेगा कि अगर तुम इस शादी से बाहर आना चाहती हो तो मिलामेंट की मीराबेल से शादी करा दो सो so, मिलामेंट नोज अबाउट दिस प्लान जो मिलामेंट है उसे भी इस प्लान के बारे में पता है कि लेडी विस्फोट को यहां पर ये फंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्यों हो रहा है ये चीज देखो देखोग क्यों हो रहा है क्योंकि अगर मीराबेल और मिलामेंट एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो भाग कर शादी कर लें यहां पर ये सारा सीन हो रहा है सिक्स थाउजेंड यूरो के लिए जो सिक्स थाउजेंड यूरो हैं उसके लिए ये सारा सीन हो रहा है बेसिकली ये साइन होता है ना यूरो को मैंने गलत बना दिया है इस तरीके का कुछ होता है सो so, यहाँ पर शादी भी करनी है सो प्लान सो जो वेटवेल well है और फीबल है वो मीराबेल को आ, किस तरीके से उनका प्लान प्रोग्रेस हो रहा है कैसा सीन चल रहा है उसके बारे में बताते रहते हैं क्योंकि अब फीबल भी इनकी साइड आ गई है वेटवेल से शादी कर लिए है तो मिस इज मार्गुड फीबल विद मीराबे सो so, देखो एक दिन क्या होता है जो ये मिसेज मारवुड है ये फीबल को देख लेती हैं मीरा बैल के साथ तो फीबल सोचता है कि मिसेस मारवुड तो कोई पंगा पक्का करने वाली है और वो भाग कर जाता है लेडी विशोर्ट के पास वेट वेल डिस्प्लेस टू परफॉर्म द रोल ऑफ सर रोल तो एक्ट टू में गाइस क्या होता है देखो पार्क में स्टार्ट होता है जहां पर मिसेस फेनॉल और मिसेस मारवुड आपस में बात कर रही होती हैं मिसेस फेनॉल और मिसेस मारवुड आपस में बात करती हैं वहां पर आ जाता है मीरा और फेनोल मीरा के साथ चली जाती है मिसेस फेनॉल के साथ उसके बाद जो मारवुड है और और है 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 उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल जाता है। और इधर जो मीरा बेल मिसेस फेनॉल को अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है मीरा बेल और फीबल को साथ में देख लेती है मिसेज मारवुड तो फीबल सोचता है अभी पक्का कुछ पंगा करेंगे और वो भागकर घर जाता है और दूसरी तरफ जो वेटवेल है उसे बड़ी जल्दी है सर रोलैंड का रोल प्ले करने की वो सोचता है वाह मैं सर रोलैंड का मतलब मीराबेल के अंकल का रोल प्ले करूँगा सो so, ये होता है एक्ट टू में नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्ट थ्री Act three opens with Lady Wishfort's frantic efforts to disguise her age as she prepares to receive Sir Rowland. उसे पता लग गया है कि सर रोलैंड आने वाले हैं तो वो यहाँ पर मेकअप वगैरह करती है अपनी एज वगैरह छुपाने के लिए, disguise करने के लिए, ठीक है? Mrs. Marwood informs Lady Wishfort that she saw Feebel talking to Mirabel in the park. तो so यहाँ पर Mrs. Marwood आ चुकी हैं आग लगाने के लिए और वो क्या कहती है Lady Wishfort को कि मैंने तुम्हारे जो सर्वेंट है Feebel उसे देखा पार्क में Mirabel के साथ। हीयर फीबल अवॉइड्स टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ मीराबल प्लोड बाई इन्वेंटिंग अ फॉल्स स्टोरी सेज दैट मीरा बैल स्टॉप सर इन दी पार्क ऑनली टू इंसल्ट लेडी विस्फोट तो फीबल भी कम नहीं है उसे पता है किस तरीके से बात संभालनी है वो यहाँ पर एक फॉल्स स्टोरी बना देती है और वो कहती है मीराबेल ने तो उसे पार्क में रोका था और वो रोक कर सिर्फ लेडी विश्फोर्ट की इंसल्ट ही कर रहा था वहाँ पर वो ये चीज़ क्यों बोलती है क्योंकि अगर वो मीराबैल की तारीफ करती तो कहीं ना कहीं उस पर शक हो जाता तो इसलिए वो बोलती है कि लेडी विश्फोट की इंसल्ट कर रहा था मीराबैल तो पार्क में इतना बुरा है मीराबल ये सब चीजें दिस रिजल्ट्स डिटरमिनेशन टू रिजल्ट सर प्रपोजल विद अंडरस्टैंडिंग दैट रॉलैंड विल इनहेरिट हिज अनवर्दी अनवर्थी मीराबेल ठीक है अब ये पता लगा लेडी विश्व को कि अच्छा मीराबैल मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था मेरी इंसल्ट कर रहा था तो वो सोचती है कि अब तो मैं सर रॉलैंड का प्रपोजल पक्का एक्सेप्ट करने वाली हूँ क्योंकि सर रोलैंड यहाँ पर मीराबेल का अंकल बनकर आया भाई तो लेडी विश्व सोचती है कि अब तो मैं पक्का शादी करूंगी उसके बाद जो सर रोलैंड है वो मतलब अपने नेफ्यू बैल को पक्का सबक सिखाने वाले हैं सो गाइस ड्रामेटिक टेंशन व्हेन मिसेस मारवुड ओवर हियर्स कन्वर्सेशन बिटवीन फीबल एंड मिसेस फेनॉल यहाँ पर जो फीबल और मिसेस फेनॉल है इनकी बातें सुन लेती हैं मिसेज मारवुड तो ये तो मीरा बैल के पक्ष में बातें कर रही हैं और इसके बारे में पता लग गया मिसेज मारवुड को क्योंकि ये दोनों बात कर रहे थे मीराबेल के प्लान के बारे में फीबल एक्सप्रेस सरप्राइज दैट मिसेस फेनॉल शुड बी प्राइवेट टू प्लॉट शी वाज हिज फॉर्मल मिस्ट्रेस फीबल रिवील्स दैट मिसेस लव्स मीराबेल बट ही फाइंड्स हर अनअट्रैक्टिव तो देखो गाइस यहां पर एक टेंशन आ गई है क्योंकि जो मिसेस मारवुड है वो फीबल और मिसेस फेनॉल की बात सुन लेती है और बात भी क्या सुनती है जिस टाइम पर मिसेस uh, फेनॉल और फीबल बात कर रहे होते हैं मीराबेल के प्लान के बारे में और यहाँ पर फीबल बड़ी शॉकिंग रिएक्शन देती है वो कहती है कि जो मिसेस फेनॉल है वो मीराबेल की साइड है जबकि उनके साथ मीराबेल का पास्ट में अफेयर रह चुका है मतलब तो वो उसकी मिस्ट्रेस रह चुकी हैं और साथ ही साथ फीबल ये भी बताती है कि जो मिसेस मारवुड है वो मीराबेल से बड़ा प्यार करती हैं लेकिन मीराबेल को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं तो देखो मिसेस मारवुड यहाँ पर और चिढ़ जाती हैं एंड इन दी मीन टाइम सर विल फुल विटवुड विटवुड हाफ ब्रदर एंड मिलामेंटर अराइव इतने में क्या होता है विलफुल विटवुड जो कि विटवुड का हाफ ब्रदर है और लेडी विशफोर्ड का नेफ्यू है वो यहाँ पर आ गया है उसे क्यों बुलाया लेडी विशफोर्ड ने यहाँ पर अब मिलामेंट से शादी कराने के लिए सर विलफुल विटवुड डज नॉट रिकॉग्नाइज फोपिश विटवुड एंड विटवुड रिफ्यूज टू एक्नोलेज हिज रिलेटिव फ्रॉम द कंट्री सो देखो जो विलफुल विटवुड है वो तो पहचान ही नहीं पाता अपने हाफ ब्रदर विटवुड को और जो विटवुड है और वो कहता है कि कंट्री से तो मेरा कोई रिलेटिव है ही नहीं मिसेस तो मारवुड है, है अच्छा, मिसेज तो तो मारवुड को बड़ा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है क्या रिवेंज अब तो मैं बदला लूंगी और वो ये सारी चीजें बताती है जाकर फेनोल को जाकर और फेनॉल को क्या बताती है कि तुम्हें लगता था तुम्हारी वाइफ का अफेयर चल रहा है ना मीरा बैल के साथ वो सच में चल रहा था पास में तुम्हारी वाइफ का मीरा बैल से अफेयर था एंड एज अ प्रूफ ऑफ हर हेट्रेड शी रिवील्स द डिटेल्स ऑफ हिस प्लॉट टू फिन तो यहाँ पर मिसेस मारवुड क्या करती है वो फेनॉल के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें लगता था तुम्हारी वाइफ का मीरा बैल के साथ अफेयर है है ना था पास्ट में और देखो वो अब अपने आप को अच्छा प्रूफ करवाना चाहती है अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती है कि मेरा मीराबैल के साथ कोई अफेयर नहीं है ये दिखाना चाहती है और साथ साथ जो मीरा बैल है वो उससे नफरत करता है तो मिसेज मारवुड को और गुस्सा आ चुका है तो वो क्या करती है फेनॉल को सारा प्लान बता देती है जो प्लान था मीराबेल का क्योंकि उन्होंने तो सारा सुन लिया तो अब बोथ ऑफ देम डिसाइड्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम फल तो अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम मीराबैल से लेंगे बदला मिसेस इज प्लान्स टू सेंड अगर ड्रंट हीट हीस हिज वाइफ ऑन चार्ज ऑफ अडल्ट्रीलेस एंटायर फॉर्च्यज हैंडेड ओवर टू हिम मिसेज मारवुड इज सर्टेन दैट लेडी विश फोर्ट हू लव्स अर डॉटर वेरी मच विल अग्री टू फेनॉल्स कंडीशन सो देखो मिसेज मारवुड ने जो बातें सुनी फीबल की और मिसेज फेनॉल की उसका नतीजा ये निकला कि ये दोनों डिसाइड करते हैं अब हम बदला लेंगे मीरा बेल से तो मिसेस मारवुड बोलती है ठीक है मैं एक लेटर लिखूंगी और उस लेटर में सर रॉलिन की ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर दूंगी कि वो तो मीरा बेल का ही वैलेट वेटवेल है और ये सारी चीजें मैं रिवील कर दूंगी फेनॉल बोलता है कि वो विलफुल को इतनी ज्यादा शराब पिला देगा कि उसे होश ही नहीं रहेगा और वो मिलामेंट का प्रपोज ही नहीं करेगा उसके बाद मिलामेंट की शादी नहीं हो पाएगी विलफुल से और मीराबेल शादी कर लेगा उससे और साथ साथ क्या बोलता है फिनॉल कि मैं अपनी वाइफ को धमकी दूंगा कि मैं तुम्हें डायवर्स दे दूंगा और तुम्हारा जो ये अफेयर था मीराबेल के साथ इसे पब्लिक कर दूंगा वरना अपना सारा पैसा मुझे दे दो तो मिसेस मारवुड को तो सब कुछ पता न घर के बारे में तो मिसेस मारवुड बोलती है कि हाँ लेडी विश्फोर्ट तुम्हारी ये बातों पर सारी ऊपर अग्री करेंगे क्योंकि लेडी विश्फोर्ट अपनी बेटी मिसेस फेनॉल से बड़ा प्यार करती हैं तो ये होता है एक्ट थ्री में नाव विल डिस्कस अबाउट द एक्ट फोर ओपन एज लेडी विशफोर्ट्स रिसीव सर रॉलैंड एक्ट फोर में लेडी विश्फोर्ट मिलती है रॉलैंड से थ्री में प्रिपेयर होना स्टार्ट हो चुकी थी रेडी हो रही थी बट फाइनली एक्ट फोर में वो मिलती हैं सर रॉलैंड से और जैसे ही वो रॉलैंड से मिलती हैं सर बिलफुल भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड मीट्स मिलामेंट बट इज अनेबल टू प्रपोज हर सो गाइस एक्ट फोर में लेडी विस्फोर्ट मिलती है सर रॉलेंड से आपस में बातचीत करते हैं थोड़ा बहुत उसके बाद वहाँ पर कौन आ जाता है सर विलफुल मतलब लेडी विश्फोर्ट का नेफ्यू जिसको उन्होंने बुलाया था मिलामेंट की शादी कराने के लिए लेकिन विलफुल जो है वो मिलामेंट का प्रपोज नहीं करता क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी होती है लेटर मिलामेंट एंड मीरा सो ये सारा सीन यहाँ पर चल रहा था मीराबेल और मिलामेंट मिलते हैं एक दूसरे से और वो डिस्कस करते हैं कि हम शादी कैसे करने वाले हैं सो मिला डिसाइड्स टू मैरी मीराबेल उसके बाद जो मीराबेल है वो मिलामेंट को बताता है की हम इस तरीके से शादी करेंगे जो सारी चीजें होती है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है मिलामेंट उसके बाद अग्री कि वो से शादी कर लेगी इन रोलिंग सो देखो सर रॉलैंड मतलब मीराबेल का जो अंकल बनकर यहाँ पर आया हैल सो सर रॉलैंड जो है वो लेडी विश्व को प्रपोज करने ही वाले होते हैं शादी के लिए वही लेटर यहाँ पर आ जाता है जो मिसेज मारवुड लिख कर भेजती हैं वो ये नहीं बताती कि ये लेटर किसने लिखा है सारी चीजें रिवील नहीं करती बस ये रिवील कर देती है कि रॉलैंड की ट्रू आइडेंटिटी बता देती है कि वो तो तो वेटवेल है है का सर्वेंट तो यहाँ पर कन्वेंस करता लेडी विशफोर्ड को कि विश्व राइटिंग तो मीरा बैल की है और मीराबेल चाहता है कि मैं तुमसे शादी ना करूँ ताकि मैं उसे डिस इनहेरिट ना कर पाऊँ अपनी प्रॉपर्टी से तो मतलब यहाँ पर जो वेटवेल है वो भी दिमाग वाला काम करता है रॉलैंड के बेस में बेशक से वो डिस्गाइज होकर यहाँ पर आया है वेटवेल यहाँ पर लेडी विशफोर्ड को मतलब अपनी बातों में ले लेता और कहता है ये राइटिंग तो मीरा बेल की है, और शायद वो चाहता है कि मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी से डिसइनहेरिट ना करूं इसीलिए वो यहाँ पर ये यह चाल चल रहा है फीबल्स एड क्रेडिबिलिटी टू दोसायटी हैड कम टू अर्लियर दैट आफ्टरनून यहाँ पर जो फीबल है वो भी मतलब थोड़ा सिचुएशन संभालते हुए बोलती है कि हाँ आज मेरा बैल भी आया था मिलमेंट से मिलने के लिए हो सकता है मतलब लेटर या तो उस टाइम पर उसने यहाँ पर रख दिया हो हो छोड़ दिया सो देन लेडी विस्फोट को लगता है कि अच्छा ऐसा है तो वो शादी करने के लिए अग्री कर देती है रोलैंड से एंड सर रॉलैंड से ब्लैक बॉक्स कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज एस्टेट टू प्रूव हिज आइडेंटिटी उसके बाद जो रॉलैंड है लेडी विस्फोट को प्रपोज करता है और कहता है कि मैं बहुत जल्दी यहाँ पर आऊंगा एक ब्लैक बॉक्स लेकर जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो भी मेरा एस्टेट है और मेरी जो आइडेंटिटी है वो सब मैं तुम्हें यहाँ पर लाकर

फेनॉल जो है वो मीरा बैल का पूरा प्लान एक्सपोज कर देता है क्योंकि वो वेटवेल को अरेस्ट कर लेता है मतलब जो सर रोलैंड बनकर आया था उसे अरेस्ट कर लेता है फेनॉल जब वो पेपर लेने जा रहा होता है मतलब जैसे ही वेटवेल सर रोलैंड जो था वो लेडी विशफोर के घर से निकला फेनॉल ने रास्ते में उसे पकड़ लिया एंड फेनॉल थ्रेटन्स टू तो डेवोर्स हिज वाइफ ऑन द चार्ज ऑफ अडल्टी और जब फेनॉल है अब उसे सब कुछ पता लग गया अब वो अपनी वाइफ को ब्लैकमेल करता है धमकियाँ देता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा और मैं तुम्हारी सारी बदनामी कर दूंगा कि तुम्हारा मीरा के साथ अफेयर था अदरवाइज तुम्हारा जो भी प्रॉपर्टी है जो भी वेल्थ है वो मुझे दे दो एंड ही आल्सो डिमांडेड लेडी विशफोर्ट नेवर री सो दैट ही मे बी दी सोल हायर ऑफ एस्टेट

पैसा बचाना सिक्स थाउजेंड यूरो का सवाल है सो so इसीलिए जो मिलामेंट होती है वो कहती है कि नहीं मैं तो सर विलफुल से शादी कर लूंगी और जो मीरा बैल होता है वो भी मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट था कि हाँ शादी करने वाले थे ये सब खत्म कर देता है बट इसके बाद भी जो फेनोल होता है वो नहीं सुधरता है स्टिल इंसिस्ट ऑन द फुलमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ दी कंडीशन कहता है बाद वाली मेरी सारी बातें मानो भाई और जो बातें रह गई उन्हें तो मानो कि मतलब लेडी विश्व कभी शादी नहीं करेंगी और जो मिसेस फेनॉल है उनकी सारी प्रॉपर्टी मुझे दो अदरवाइज ही थ्रेट्स टू मिसेस फेनॉस रेपुटेशन बाइ ड्रैगिंग द मैटर थ्रू अ पब्लिक ट्रेल

वही फेनॉल और मिसेस मारवुड का पब्लिक करते हैं अफेयर है ना मिसेस मारवुड और फेनॉल के बारे में सबको बताते हैं उनके अफेयर को पब्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर जो मीरा बैल है वो मिन्सिंग और फीबल को बुलाता है और वो दोनों बता देते हैं सबको कि मिसेस मारवुड का अफेयर चल रहा था फेनॉल के साथ फेनॉल स्टिल इंसिस्ट टू डिस्ग्रेस लेडी विशफोर्ड्स थिंग्स की इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ तो देखो मिनसिंग और फीबल बेशक से मिसेज मारवुड और फेनॉल के रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देते हैं अफेयर के बारे में सबको बता देते हैं उसके बावजूद भी फेनॉल नहीं सुधरता और फिर भी बोलता है कि नहीं भाई मुझे पैसा चाहिए तो लेडी विश्व सोचती है कि मीरा बल ने इनका अफेयर पब्लिक कर दिया इससे हमें क्या फायदा हुआ ये तो फिर भी पैसे मांग रहे हैं उसके बाद आखिरी पत्ता खेलता है कौन मीराबेल ही प्रोड्यूस बाई विच फेनॉल हैड विस्ड हर प्रोपर्टी इन ट्रस्ट विद हिम सिंस ही डज नॉट ट्रस्ट हिज हस्बैंड फेनॉल यहाँ पर मीराबेल क्या करता है वो पब्लिक को बताता है कि मिसेज फेनॉल जो की एक वेल्दी विडो है एक यंग विडो है उन्हें अपने हस्बैंड पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था बिल्कुल भी विश्वास नहीं था इसीलिए मिसेस फेनॉल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम अपने फ्रेंड मीराबेल के नाम कर रखी थी क्योंकि उन्हें अपने हस्बैंड फेनॉल पर ट्रस्ट नहीं था सो विटवुड एंड पैट्यूलेंट टेस्टिफाइड दी ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट सो जो विटवुड और पैट्यूलेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि हाँ अराबेला ने मतलब मिसेस फेनॉल ने सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं सभी प्रॉपर्टी जो है वो मीराबेल के नाम कर रखी है

मिलामेंट एंड द टू लवर्स मीराबेल एंड मिलामेंट आर फाइनली यूनाइटेड सो देखो उसके बाद जो सर विलफुल विटवुड है जिसको यहाँ पर लेडी विश्फोट ने बुलाया था शादी कराने के लिए मिलामेंट से वो भी कहते हैं कि हाँ वो मिलामेंट से शादी नहीं कर रहे हैं और उसके बाद मिलामेंट और मीराबेल दोनों लवर्स की शादी हो जाती है एंड बोथ ऑफ देम आर यूनाइटेड फाइनली सो डोंट कन्फ्यूज आई नो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी अगर कोई भी डाउट आता है दोबारा देखो तब भी समझ नहीं आता है तुम तो मुझसे पूछ सकते हो ठीक है Now we'll discuss about the themes. So Guys, here are the themes. First theme is men versus women. Restoration audience is very much interested कि हाँ किसका किससे affair चल रहा है किस man का किस women के साथ है क्या scene चल रहा है इस चीज़ में बड़ा interest आता था restoration audience को देन लव एंड मनी ऑब्वियसली मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ना कि लव को Phenol के केस में हमने ऐसा देखा इवन दो मीरा बेल के केस में देखा मिलामेंट के केस में देखा कि जो मिलामेंट होती है एक टाइम पर uh, सरविलफुल से शादी करने के लिए हाँ कर देती है ताकि उसके सिक्स थाउजेंड यूरो अमाउंट बच जाए सो लव एंड मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थीम देन विट एंड फुल्स विटवुड है पेटेंट है देन मैरिज इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम जो कि हमने देखा है कि किस तरीके से मीरा बेल और मिलामेंट की शादी होती है देन अडल्ट्री एंड इनहेरिटेंस जो मीराबेल उसका अफेयर चल रहा था मिसेस फेनॉल के साथ मिसेस मारवोट का फेनॉल के साथ तो इस तरीके से अडल्ट्री और अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो फेनॉल केस तरीके से उन्हें फोर्स करता है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो या फिर लेडी विस्फोट कभी शादी नहीं करेंगी सो so देट मैं उनका प्रॉपर्टी का इकलौता हायर रह सकू देन फ्रेंडशिप देखो यहाँ पर फ्रेंडशिप भी एक, एक इंपॉर्टेंट थीम है और फ्रेंडशिप जो सेम जेंडर्स की भी है और अपोजिट जेंडर्स की भी है सेम जेंडर्स की अगर बात करें तो फेनॉल और मीराबेल की इनिशियली फ्रेंडशिप होती है बट वो बाद में जाकर खराब हो जाती है

क्लाइमेक्स कि क्या क्लाइमेक्स आने वाला है देन एल्कोहल सिंबलाइजेज द डिज़ायर इसके अलावा भी काफ़ी सिंबल्स आपको इसमें मिल जाएंगे सो गाइज आई होप आपको ये वे ऑफ द वर्ल्ड समझ आई होगी बिकॉज आई ट्राइड कि आपको अच्छे से समझ आए इसीलिए जो मेरी वीडियोज होती हैं वो थोड़ी लेंथी हो जाती हैं सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी बट इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द दॉमेंट बॉक्स यू गाइज कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मई इंस्टाग्राम फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप आई गेट द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो डू फॉलो माइ इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो इन माई फेसबुक पेज और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करके बताएं कि कैसे लगी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू